हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं उसमें जो वीडियो लिया हुआ है उसमें हम कोई राजनीतिक पक्ष पे विपक्ष में नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है आपका RRC लेवल 1 और टेक्नीशियन 2024 में, जिसकी हम कई वीडियो के माध्यम से उठा रखे हैं आपके सामने मुमले कि जब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है तो ITI के सिलेबस नहीं, लेवल 1 की भर्ती आती है तो दो बार से 10th का हो रहा है, इस बार ITI को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा वो नोटिफिकेशन में आएगा। ऐसे तो लिखा हुआ है कि दो ही बार की छूट मिली थी, अगली बार नहीं मिलेगी, लेकिन ये किसको लाभ पहुँच रहा है या पहुँचाया जा रहा है या इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जा रहा है, मनसा किसी को हो ना हो गवर्नमेंट से हमें नहीं लेना, लेकिन जॉब किसको मिलती है। और समझदार व्यक्ति एक इशारे पर समझ जाते हैं, और इस टॉपिक को अगर समझ गए तो आप बेसिक कंसेप्ट तक कम से कम तो पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट वीडियो तो आपको दिखाने से पहले वो दिखाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए से नहीं देखिएगा, उसमें बोले गए वर्ड को आपको देखना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं जो राजनीति की बात करें, हम लोग वो व्यक्ति हैं जो जॉब की बात करने वाले हैं। जॉब कौन देता है इस पर डिपेंड करता है हमारे लिए। तो देखिए, हमने ये सिलेबस ले लिया आपका ITI वाले का। ITI वाले में दो टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 है। टेक्नीशियन 3 में कोई भी क्वेश्चन आपको ITI से नहीं मिलेगा, और जॉब करना हो पड़ेगा तो आपको इंजी बोलेगा कि आप ITI करके आए हो, आपको काम करना पड़ेगा, टेक्निकल काम से आप टेक्निकल आए हो, लेकिन यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस टेक्निकल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाएगा कौन, और अगर कोई बनाता है तो इसका लाभ किसको होगा। इसी पे होता है ना कंपटीशन, CBT में क्वेश्चन सेट होगा और CBT के बाद इसको बेनिफिट किसको मिलेगा। ITI वाले यहाँ से सिलेक्शन होंगे, या ITI कहीं कॉलेज में जाके कर लिए हैं और उनका पढ़ने का जो तरीका है SSC बैंक वगैरह या जो भी है, या सीधी बात में बोले दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरी है, लाखों रुपया खर्च करके कोचिंग कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन होगा। कि जो एक गरीब का बच्चा ITI जो गांवों से अपने सारे पैसे या कह सकते हैं बैल बेच के पैसा लगाया है, उसका सिलेक्शन होगा। तो आपके मन में सिंपल सी बात आ जाएगा, जो कोचिंग से सिलेक्शन किया है उसी से होगा, क्योंकि ये सिलेबस भी बना हुआ है उन्हीं के लिए और ये पूरी पैटर्न उन्हीं का है। तो देखिए, मान लीजिए कि NTPC में होता है तो हमें लगता है कि टॉप क्लास की जॉब है, नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल का जॉब मिलनी चाहिए, JEE के लिए है तो डिप्लोमा है तो होनी चाहिए, जो आपकी आगे की एग्जामे है जो आपका LP का है उसमें डिप्लोमा ITI सब के लिए, BTEC सब के लिए अलाउ किया है, उनको मिलना चाहिए। SSC की भर्ती दुर्भाग्य रूप से नहीं आ रही है, वो आनी चाहिए थी, वो BTEC वाले कैंडिडेट के लिए केवल रिजर्व रहती थी। NTPC में आपका जो भी पोस्ट आता था वो नॉन टेक्निकल का पोस्ट, नाम ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी 12वीं से आता था पेपर, 10वीं का तो यहाँ आता नहीं था, उससे ऊपर की जॉब होती थी। अब 10 पे जब टेक्नीशियन ITI का कर दिया लेवल 1 में और आपका टेक्नीशियन करने से सिलेबस हुआ, इसका बेनिफिट किसको होगा, इसका बेनिफिट का वीडियो आपको अभी अब शुरू करते हैं। एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये पेपर उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन्हीं का सिलेक्शन का सपोर्ट कर रहा है, या इनडायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली जो कोचिंग करके लाखों रुपया फायदा लगा के जॉब में जा रहे हैं। अब जॉब कितना दिन करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि टैलेंटेड कैंडिडेट कहीं रुकते नहीं हैं, लेकिन ITI की जॉब पे अगर जो कोई कैंडिडेट जाता है तो कम से कम अपनी जॉब का रिस्पेक्ट करता है, और कहीं और भी सिलेक्शन होगा तो उसे ITI पे होगा। लेकिन कोई अगर ITI कर रखा है और उसके बाद उसके पास BTEC की डिग्री है, साथ में आपका वो ग्रेजुएट है, तो SSC की ऑप्शन खुला हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का खुला हुआ है, सेक्शन ऑफिसर जैसे पोस्टों का खुला हुआ है, BPSC हर स्टेट का जॉब खुला हुआ है, इवन UPSC का IES इंजीनियरिंग सर्विस भी खुला हुआ है, साथ में और भी जॉब खुला हुआ है, IPS वगैरह सब खुला हुआ है। तो वो ITI का जॉब में एंट्री मारने के लिए और रेलवे में जॉब लेने के लिए आ रहा है, तो हम ये गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें भागीदारी ITI के सिलेबस लेके करनी चाहिए थी कि जो उसमें जो अच्छा कैंडिडेट होता वो होगा। तो चलिए, इस वीडियो को छोड़ते हैं आपके लिए और वो वीडियो आपके साथ अटैच करते हैं। कि इस देश में रिजर्वेशन को बड़ा बदनाम किया गया, ये कोटे वाले हैं, ये भीमटे हैं,
ये लायक नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है। हमारे दिल में, हमारे सब लोगों के दिल में ये है कि ये बात झूठी है। काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ये हकदारी और भागीदारी का मामला है। उस पर थोड़ी सी आपकी हम रोशनी चाहेंगे, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सबसे जरूरी, जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी IITs होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको SAT कहते हैं। और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे, और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पैनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला, देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पैनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है। इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ, अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए ही होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते।